हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लव योरसेल्फ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बंगाली स्टाइल चिंगड़ी माछ या फिर कह सकते हैं प्रॉन की बाटी चटचुरी रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और एक बात, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वाली वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर हमने लिया है एक बड़ा टमाटर का पेस्ट, साथ ही में लिया है 3 चम्मच सरसों का पेस्ट। तो सरसों को हमने 2 हरी मिर्ची के साथ पेस्ट कर लिया है, साथ ही में लिया है 1 इंच के अदरक के टुकड़े का पेस्ट और एक बड़े साइज का प्याज का पेस्ट हमने यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर हमने लिया है 250 ग्राम मीडियम साइज का प्रॉन या फिर कह सकते हैं चिंगड़ी माछ। और अभी इसमें हम डाल देंगे मसाले, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही में डाल देंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और अभी हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा पेस्ट, साथ ही में डाल देंगे अदरक का पेस्ट। तो अगर आप लोग चाहें तो जीरा का पाउडर भी डाल सकते हैं, प्याज का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट और सरसों का पेस्ट। और अभी हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक, और अभी हम डाल देंगे 4 से 5 हरी मिर्च जो बीच में से कटे हुए हैं, साथ ही में डाल देंगे 1/2 प्याज चॉप्ड किए हुए, और अभी लास्ट में हम डाल देंगे 5 चम्मच सरसों का तेल। और तेल डालने के बाद अभी इन सारी चीज़ों को हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लिया है। अभी टिफ़िन बॉक्स का ढक्कन हम बंद कर लेंगे। तो यहाँ पर चूल्हे पर हमने कढ़ाई में 2.5 ग्लास पानी गर्म करने के लिए रखा है, और पानी में हमने स्टैंड डाल दिया है। पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, और अभी स्टैंड के ऊपर हम टिफ़िन बॉक्स को रख देंगे और कढ़ाई को ढककर रख देंगे 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। पंद्रह मिनट हो चुका है, अभी हम ढक्कन उठा लेते हैं और गैस को बंद कर लेंगे। टिफ़िन बॉक्स को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद ही हम इसका ढक्कन खोलेंगे। टिफ़िन बॉक्स ठंडा हो चुका है, अभी इसका ढक्कन हम खोल लेते हैं। ढक्कन हमने खोल लिया है बॉक्स का। अभी इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, और तेल डालने के बाद सारी चीज़ों को हल्के हाथों से हम मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, ये बिल्कुल तैयार है। अभी इसको हम सर्व करेंगे चावल के साथ।